चैप्टर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर जी एफ. इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड. ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन है ये भी. आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स यानी बुझाएं कीबोर्ड से एंटर करवानी है. राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज, और आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें ये चेक करना पड़े आपको ट्राइंगल क्या है. एसोलेसिस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, या राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इन चारों में से कौन सा ट्राइंगल है वो, ये चेक करने का आपको प्रोग्राम बनाना है. तो आइए प्रोग्राम करते हैं. हमेशा की तरह सबसे पहले आपने दोनों हेडर फाइल ले ली, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h. फिर आपने वाइड मैन से प्रोग्राम स्टार्ट किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने इंटीजर टाइप के क्योंकि एजेस हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लिए आपने s1, s2, s3 नाम के तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए. और तीन वेरिएबल हमें और चाहिए होंगे फॉर्मूले के लिए, ए बी सी हमने डिक्लेयर कर दिए. आप कोई भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं. क्लियर स्क्रीन लगाई ताकि आउटपुट विंडो पर आपका ही प्रोग्राम का आउटपुट दिखे और सब ब्लैंक हो जाए. प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक मैसेज दे दिया प्रिंट एफ में, एंटर थ्री सेट्स ऑफ ट्राइंगल. अलग अलग भी दे सकते हैं, तीनों बार अलग अलग स्कैन करवा सकते हैं मैसेज देखें, या फिर आप एक साथ ही स्कैन करवा सकते हैं. तो स्कैन ऐप में हमने परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इंटीजर का वो दे दिया और S1, S2, S3 को स्कैन करवा लिया. अब देखिए कंडीशन हमने पहले लगाई ए के अंदर, S1 इंटू S2 इक्वल है S2 इंटू S2 के, प्लस ये है S3 इंटू S3 के. ये तीनों इक्वेशन परफॉर्म होगी और उसके बाद ए के अंदर साइन हो जाएंगी. ऐसे ही सेम बी के लिए किया हमने, S2 इंटू S2 इक्वल ये है S1 इंटू S1 प्लस S3 इंटू S3. ये इक्वेशन परफॉर्म होगी उसके बाद बी के अंदर साइन हो जाएगी. और फिर सी के लिए एक कंडीशन लगाई हमने, S3 इंटू S3 इक्वल S1 इंटू S1 प्लस S2 इंटू S2. इस इक्वेशन को करने से ये तीनों कंडीशन जो दे रखी है हमने क्वेश्चन में, इसको करने में हेल्प मिलेगी. इफ़ S1 नॉट इक्वल है S2 एंड S2 नॉट इक्वल है S3 एंड S3 नॉट इक्वल है S1 के, अगर ये तीनों कंडीशन सही निकलती हैं तो क्या होगा, प्रिंट होगा दैट गिवन ट्राइंगल इज स्केलन ट्राइंगल. तो जो आपके पास गिवन ट्राइंगल है वो स्केलन यानी कि विषम बाहु त्रिकोण होगा. नेक्स्ट कंडीशन लगाई, इफ़ S1 इक्वल है S2 के एंड S2 नॉट इक्वल है S3 के, तो क्या होगा, द गिवन ट्राइंगल इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, यानी कि जो गिवन ट्राइंगल आपका आया वो समद्विबाहु त्रिकोण है. नेक्स्ट कंडीशन लगाई हमने, इफ़ S2 इक्वल है S3 के एंड S3 नॉट इक्वल है S1 के, ऐसी कंडीशन में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो है द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, यानी ये भी जो है दोनों कंडीशन सेम आएगी, समद्विबाहु त्रिकोण कहलाएगा. फिर कंडीशन लगा दी हमने, इफ S1 इक्वल S3 के एंड S3 नॉट इक्वल है S2 के, अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा, आइसोलेसिस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु ट्राइंगल कहलाएगा. ये भी सेम कंडीशन लगा दी, थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए S1 इक्वल है S2 के एंड S2 इक्वल S3 के, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समान बाहु वाला ट्राइंगल कहलाएगा जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो. अगर इफ़ ए और बी और सी कोई सी भी कंडीशन मिल जाती है तो द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपके पास जो भी ट्राइंगल गिवन होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. फिर मैसेज दे दिया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा. उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अगर आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे. तो आप इस मैसेज को देना अच्छी प्रोग्रामिंग में माना जाता है. फिर आपने गेट सी एच लगा दिया, गेट सी एच लगा के आपका प्रोग्राम का रिजल्ट आउटपुट विंडो पर तब तक होल्ड करेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे. तो आइए अब इसे रन करते हैं. प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए, रन मेनू में जाएंगे, रन करेंगे इसे, देखिए
45 45 90। मैसेज आ गया आइसोलेसिस ट्राइंगल। फिर से रन कीजिए 60 60 60 एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। कोई और नंबर डाल के चेक करते हैं 50 60 70 स्केलन ट्राइंगल। तो जो भी ट्राइंगल होगा उसके अकॉर्डिंग एजेस डाल के आपको पता चल जाएगा। ये ट्राइंगल को चेक करने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपको हमारे वीडियो से फुल नॉलेज मिल चुकी होगी। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ले सकते हैं। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।